Hello everyone, I'm Rocky. So I just welcome you all guys to a beautiful YouTube channel. So guys, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले नीट का फेज टू रजिस्ट्रेशन पे. सबसे पहली बात, इसका लिंक ओपन नहीं हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे होंगे कि लिंक कहाँ है, तो मैं बता दूं गाइस, इसका जो लिंक है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है. और जब भी होगा तो वो NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि तुम सबको पता होगा, NTANEET.NIC.IN पे आएगा. ठीक है, इसी वेबसाइट पे आएगा और जब भी ओपन होगा. और गाइस, उसके लिए क्या करना है, सिंपली ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. हमारा जो डिफरेंट ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो. जैसे ही लिंक आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है, सो इस वीडियो में देखो, सिंपली मैं फेज टू रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि भैया फेज टू का रजिस्ट्रेशन क्या है, उस पर वीडियोज बना दो. ठीक है, तो इस वीडियो में हम फेज टू में क्या क्या है, क्या क्या तुम उसमें भर सकते हो और क्या क्या होगा वो बताने वाला हूँ. ठीक है, तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा, ठीक है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या डाउनलोडेड ही लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव से मैं कर दूंगा. ठीक है, और नहीं तो मेरे ग्रुप से जो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, सो देखो यार, उन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली लिखा हुआ था कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा नीट के लिए वो दो स्टेप्स में होगा, फेज वन एंड फेज टू. तो फेज टू में ये था कि फेज टू में ये सारे डिटेल्स तुम फिल कर सकते हो. इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने के बाद तुम पेज नंबर 14 में जाओगे तो ये सारे चीज आएंगे. ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज का मैंने टॉपिक्स उठाया है. इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, क्या क्या तुम कर सकते हो, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, 11th के लिए सर्टिफिकेट हो गया, मार्क्स हो गया, ये सब कुछ भरना है. ठीक है, तुम जाकर देख सकते हो. पर्सनल डिटेल तुम वहां पे फिल कर सकते हो, पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा. 10th डिटेल, 10th सर्टिफिकेट, रोल नंबर, किस स्कूल से पढ़े थे एंड तुम्हारा रोल नंबर क्या था, किस स्कूल से बोर्ड, कौन सा बोर्ड था, मीडियम कैसा था, ये सारी कुछ कुछ पूछेंगे वो लोग. फिर 11th डिटेल भी फिल करना है. पेरेंट्स इनकम डिटेल, ठीक है, पेरेंट का इनकम डिटेल भी फिल करना है. एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरे को इससे याद आया, जिस भी टॉपिक पे ऐसे करके रेड मार्क होगा, ठीक है, जिस पे रेड मार्क होता है वही इंपॉर्टेंट रहता है. अगर उस पे रेड मार्क नहीं है और उस सेक्शन को तुम नहीं फिल करना चाहते तो उसको लीव कर सकते हो. ठीक है, उसको कोई मैंडेटरी नहीं है. जिस पे रेड मार्क होता है, एस्ट्रिक मार्क होता है, उसी को फिल करना पड़ता है, वो मैंडेटरी रहता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, वो मैंडेटरी नहीं रहता. तुम लीव भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट हमारा आता है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेनली रजिस्ट्रेशन और ये सब कुछ बिफोर रिजल्ट. ठीक है, बिफोर रिजल्ट ये सब करना है तुम लोगों को, ये सारा कुछ, ये सब कुछ फिल करना है बिफोर रिजल्ट. लिंक अभी एक्टिव नहीं है, लिंक इज नॉट एक्टिव. जैसे ही लिंक आएगा मैं शेयर कर दूंगा, मैं बता दूंगा कैसे तुमको क्या करना है. ठीक है, अभी लिंक एक्टिव नहीं है. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना. जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी फोन में, यूट्यूब पे. ठीक है, ये हो गया. फिर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट डाउनलोड देना पड़ेगा. देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि उस समय जब नीट का फेज वन हो रहा था तो वहां पे वो डिक्लेरेशन दे दिए होंगे कि हम सर्टिफिकेट दे देंगे. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दिए होंगे तो अब उनको सबमिट करना है. अब यहाँ पे सबमिट करने का टाइम आ गया. ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यस, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होता है. पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं और पीडब्ल्यू फिजिकल मतलब वो वीकर सेक्शन होते हैं, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट देना होगा. ठीक है, 10th सर्टिफिकेट, 10th का मार्क्स हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब 10th का सर्टिफिकेट तुमको यहाँ पे मांगेगा. और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट में आता है तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, तुम कोई भी ऐसा एक सर्टिफिकेट जिससे तुम ये प्रूफ हो कि हाँ तुम इंडिया के सिटीजन हो. ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा. इतनी छोटी सी वीडियो में मैंने सोचा कि मैं उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूं, बट अभी उतना फैसिलिटी नहीं था मेरे पास कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुमको करके दिखाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में जितना लिख सका उतना लिखा और तुम लोगों को बता दिया. आई होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई होगी यार तुम्हारी, हेल्प कुछ भी, एटलीस्ट 1% भी हेल्प हुई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. तुम जिस भी ग्रुप में हो, बहुत सारे ग्रुप्स में अटैच्ड होगे, ज्वाइंट होगे, तो उस ग्रुप में जाकर इस वीडियो को शेयर करो. ठीक है, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स को अगर ये डाउट फील हो रहा होगा, अगर ये डाउट वो भी फेस कर रहे होंगे, तो उन लोगों को भी ये डाउट से प्रॉब्लम ये क्लियर हो जाए. ठीक है, सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग गाइस.